जब भी आप किसी लड़की से बात करते हैं, या आप कोई पोर्न मूवी देखते हैं, या आप कोई ऐसी मैगजीन पढ़ते हैं, या ऐसी कोई सीन देखते हैं मूवी का, तो आपका वीर्य निकल जाता है। क्या इससे आपकी बॉडी को नुकसान होगा? क्या ये नॉर्मल है? तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सचिन तोमर है, और जो ये प्रॉब्लम है, इससे कोई भी लड़का बचा नहीं है। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। जितने भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, जो यंग लड़के हैं, वे मैक्सिमम यही कहते हैं कि सर, जब भी मैं किसी लड़की से बात करता हूँ, या पोर्न मूवी देखता हूँ, या सेक्स करने से पहले फोर प्ले करने के दौरान ही मेरे वीर्य निकल जाता है, और इसकी वजह से बहुत घबराहट होती है, और जिससे मेरा शीघ्र पतन हो जाता है। जो शादीशुदा लोग हैं, ये कहते हैं कि शीघ्र पतन होने का मेरा यही कारण है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके मन का बहम है। देखिए, जब भी आप कोई ऐसी मूवी देख रहे हो, या लड़के से कोई सेक्सी बात कर रहे हो, या किसी से भी ऐसी कोई बात कर रहे हो, तो आपका वीर्य निकल जाता है। लेकिन सच में ये है कि वो वीर्य है नहीं, वो एक तरह का पिरिकम है, फ्लूड है, जो आपके लिंग है इसकी नसों में जमा रहता है, और एक तरह के प्रोस्टेट फ्लूड होता है जो प्रोस्टेट से बनता है। इसके अंदर कोई स्पर्म नहीं होते, और ये सबसे बड़ी बात है, आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन का काम करता है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है, वो कहता है, शादीशुदा कहता है कि सर, फोर प्ले के दौरान ही मेरा वीर्य निकल जाता है, और जब मैं सेक्स करता हूँ तो मुझे शीघ्र पतन हो जाता है। देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपका लुब्रिकेशन है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने माइंड में, आपने अपने ब्रेन में उसको ये सोच लिया कि ये मेरा वीर्य निकल गया, तो आपको लगेगा, आपको घबराहट होना स्टार्ट हो जाएगी, आपको टेंशन हो जाएगी, और आपको लगेगा ये तो पहले ही निकल गया, क्या मैं कर पाऊँगा या नहीं। जब आप ये बात सोचते हो ना अपने मन में कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, वहीं से जो आपके माइंड में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जा रही है, वही सबसे बड़ा कारण है आपका शीघ्र पतन का। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास यंग लड़के आते हैं, सर मेरा वीर्य ऑटोमेटिक ही निकल जाता है, और इसकी वजह से मुझे वीकनेस आती है, और मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने कहीं ना कहीं माइंड में इतना डीपली ले लिया है। और सबसे बड़ी बात है, लड़की ट्रीटमेंट भी कराते हैं, जब हमारे पास आते हैं, सर मुझे 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, लेकिन इसका किसी के पास इलाज नहीं है। देखिए, कोई बीमारी है ही नहीं तो इलाज कहाँ होगा? तो इसका मतलब क्या है कि आप अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो। देखिए, जो मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरा जो वीडियो बनाने का इंटेंशन है, यही है जो मैं सेक्स नॉलेज आपको दे रहा हूँ, कि आपका जो पैसा ही बर्बाद होने से बच जाए, और आप सही ट्रैक पर पहुँचे। इन छोटी छोटी बातों पर आप डिस्टर्ब ना हो, तो आगे से कभी भी आपका यदि निकलता है, जो ये फ्लूड निकलता है, ये पेरिकम है, इससे घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ये लुब्रिकेशन का काम करता है, ये कोई वीर्य नहीं है, और ना ही इसके अंदर स्पर्म है, ठीक है ना। किसी का 2-4 बूंद निकल जाता है, किसी का ज़्यादा निकल जाता है, किसी का कम निकल जाता है, ये सबकी बॉडी पर वेरीफाई करता है। इसलिए आपको ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है कि इतना ही निकलता है। तो आप इन चीज़ों में ना पड़े, मैं लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। ये कोई, और हाँ, सबसे बड़ी बात है, इससे आपका जो आप बच्चा पैदा करना चाह रहे हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप बेबी बच्चा पैदा कर सकते हैं नहीं, क्योंकि ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं ये वीडियो बना दो। जब मेरे पास मैसेज आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बननी चाहिए। आजकल ये मैसेज आ रहा था बार बार व्हाट्सअप पर, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो घबराइए मत, कोई दिक्कत नहीं, एक तरह का प्रोस्टेट फ्लूड है जो आपके लिंग है उसके नसों में चारों तरफ जमा रहता है। जब आप कोई पोर्न मूवी देखते हो, तो जैसे ही लिंग में तनाव आता है हल्का फुल्का, तो वो निकल जाता है, ठीक है ना। टाइट पन आएगा, मसल्स टाइट होगी, तो जैसे ही मसल्स टाइट होती हैं, जो फ्लूड वो जमा रहता है वो बाहर निकल जाता है। तो वो कोई वीर्य नहीं है, और ना ही आपकी मर्दाना ताकत पर कोई फर्क पड़ेगा, ना ही आपकी सेक्सुअल जीवन पर कोई फर्क पड़ेगा निश्चित होकर, और ना ही इसको आपको कोई ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, ना ही किसी से डिस्कस करने की ज़रूरत है, और ना ही कहीं अपना जो पैसा है वो बर्बाद करने की ज़रूरत है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।